वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश का सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम से रिलेटेड VVI शॉर्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस्ड हिज व्यू थ्रू हिज एड्रेस इंडिया इज माय होम। किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये विचार व्यक्त किया था कि भारत मेरा घर है। आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस्ड हिज व्यू आफ्टर टेकिंग ऑथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के दौरान ये विचार व्यक्त किया था कि इंडिया इज माय होम, भारत मेरा घर है। एंड ऑल द इंडियंस आर द मेम्बर ऑफ माई फैमिली, और जितने भी भारत के लोग हैं वो सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो यह भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के दौरान दिया गया था, ये संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज जाकिर हुसैन एक्सप्रेस इन हिज स्पीच ही डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने किस प्रकार विचार को व्यक्त किया है। आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि हम अपने पास्ट कल्चर को कंटिन्यू रखेंगे और उसके प्रति निष्ठावान रहेंगे। नंबर 3, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या विचार है। आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ नेशनल पर्पसेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन का विचार था कि शिक्षा ही प्राथमिक उपकरण है जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र को विकसित बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ओथ डिड जाकिर हुसैन टेक, जाकिर हुसैन क्या शपथ लेते हैं। आंसर, जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि हम भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क आर देयर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कितने प्रकार के काम होते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। जाकिर हुसैन के अनुसार 2 प्रकार के काम होते हैं, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत, और एक सोशल, एक सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ शुड पावर बी यूज्ड, पावर का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। आंसर, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, पावर का उपयोग नैतिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, पावर का उपयोग नैतिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड राधा कृष्ण ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधा कृष्ण ने प्रेसिडेंसी में क्या लाया। डॉक्टर राधा कृष्ण ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक चेतना लाया, अ डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ एक्सपीरियंस रेयरली टू फाउंड एवरीवेयर, और ऐसा अनुभव और ऐसा नॉलेज लाया जो शायद ही सभी जगह प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व क्या होना चाहिए। आंसर, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ द नेशन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्र के गुणवत्ता का विकास करे, विकसित करे, इट्स कल्चर एंड कैरेक्टर, इसके संस्कृति का विकास करे और कैरेक्टर गुणों का विकास करे, उन्हें विकसित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वर्क वन सेल्फ मीन, वर्क वन सेल्फ मीन इसका अर्थ क्या होता है। व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट, और इसका आखिरी उद्देश्य क्या होता है। आंसर, वर्क वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर द इंडिविजुअल, वर्क वन सेल्फ का जो अर्थ होता है वो ऐसा काम जो खुद के लिए किया जाए, व्यक्तिगत के लिए किया जाए। द वर्क वन सेल्फ इज टू फॉलो टू अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से नैतिक कार्य कर सके। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनैलिटी, और ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र कार्य कर सके, मतलब वो स्वतंत्र रूप से नैतिक कार्यों को कर सके, उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।